अदालती इस्लाहात कानून में तरमीम के बाद नवाज शरीफ को भी अपील का हक मिल गया। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 कौमी असेंबली से मंजूर। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर को भी फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिल गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली के इजलास में अदालती इस्लाहात बिल में तरमीम पेश की गयी जिसको मंजूर कर लिया गया। ऐवान से मंजूरी के बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के दौर में अज खुद नोटिस फैसलों के मुतासरीन को अपील का हक मिल जाएगा। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से लिए गए बेतरतीब 2007 और 49 अजखुद नोटिसेस के मुतासरीन 1 माह के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। बिल के तहत मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और नस्ला टावर के मुतासरीन को भी अपील का हक होगा। ज़राए के मुताबिक अजखुद नोटिस के तहत होने वाले फैसलों पर अपील के लिए 1 माह का वक्त होगा।